अनिल शर्मा जी, ये पूरा का पूरा खेल कैसे राजस्थान की बाकी के 13 सीटों पर नुकसान ना हो उसको लेकर है? सर पहले तो मैं मोदी जी की भाषा में भी बोलूंगा, बड़े तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर। कैसे कैसे तेजस्वी लोग हैं, क्या भाषण दिया है कल, मतलब इतना तगड़ा भाषण दिया है कि उसमें बिल्कुल झलक रहा है कि कितना डर गए फर्स्ट राउंड से। और इतना डरने की जरूरत नहीं थी जितना वो डर गए, पर डर गए, और ये बिल्कुल दर्शाता है कि बहुत डर गए वो। और उनको लग रहा है कि राजस्थान में पर्टिकुलरली जो 12 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें लोकल मुद्दे हावी रहे बनिस्पत किसी और चीज के। या जो शीतल जी का शो देखता हूं मैं मुद्दा, उसको देख के मेरे को भी कई जानकारियां मिली, जो ये एक कास्ट बेस्ड चुनाव हो गया काफी कुछ। मैं इसमें पहले भी बोल चुका था, शीतल जी जब बात करते हैं फ्रीलांसर से डिटेल लेते हैं, उसको जोड़ के मैं जो सार निकाल पाया, मेरा जो पहला रीडिंग था वो बिल्कुल सही था कि अब के कास्ट बेस्ड चुनाव हुआ। और जो शेखावटी बेल्ट था, देखिए जो 12 सीटों पे चुनाव हुआ आशुतोष जी, इसमें कांग्रेस शुरू से ये लग रहा था कि हावी है, ऐसा कभी नहीं लगा कि कांग्रेस इन एरियाज में हावी नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूं कि 12 सीटों पे हावी थी, पर हावी थी, कम से कम 6-7 सीटों पे हावी थी, कईयों का कहना 8। और आज मेरी किसी बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि 3 सीट तो 100% हमारी गई और बाकी सीटों पे कड़ा मुकाबला है। तो आप मान के चलिए जब 25-0 स्कोर था, अगर 3 पहले राउंड में जारी है या इससे, मेरे को उम्मीद शायद इससे ज्यादा है क्योंकि चार्ट कंसोलिडेशन है, SC ST में घबराहट हुई कि संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्वेश्चन बार बार उठा। और SC ST जो बड़े लीडर हैं किरोड़ीलाल मीना, उनका स्टेटमेंट है कि मेरी बात भी नहीं सुन रहे बीजेपी के जो मंत्री भी हैं, और भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं से वीडियो निकल के आया, उसकी वेरिसिटी मैं नहीं बता सकता सच है या झूठ है, पर उस वीडियो को आप देखेंगे उसमें लोग उठ के जा रहे हैं, वो पीछे से उनके जो बंदे बैठे वो कह रहे हैं आपको महादेव की सौगंध, आप उठ के नहीं जाएंगे, अगर आप हिंदू हैं तो बैठिए। तो देखिए प्लानिंग तो पहले से शुरू हो गई थी आशुतोष जी, इनको पता लग गया था कि राजस्थान डिफिकल्ट होता जा रहा है, पर इनको उम्मीद ये नहीं थी। अनिल जी, राजस्थान डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है, मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक पार्टी जो पिछली बार 25 की 25 सीटें जीत कर आई थी, क्या इस बार 25 की 25 सीट हारने वाले ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता वहां पे? बिल्कुल भी नहीं, ये लग रहा है कि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां लूज कर सकती है, तो बीजेपी के लिए डिफिकल्ट क्यों है, मेरा सवाल इस बात को लेकर। डिफिकल्ट इसलिए अशोक जी, अगर आप 4 सीट भी लूज करते हैं तो गेन कहां से करेंगे, वो गेन का ग्राउंड कहां है? क्या ये वो बात हो रही है जो कांग्रेस उठाती है, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, क्या हम उस तरफ बढ़ता देख रहे हैं? देखिए अशोक जी एक चीज बताऊं, जो पोलिंग हुई राजस्थान में वो काफी कम हुई, और आप इसको अंतर को अगर देखना चाहें तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा कि आप इसको विधानसभा चुनाव से काउंट करिए, 3-4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, 74% वोटिंग हुई, अब के कितनी हुई 58, 16% का डिफरेंस इन जस्ट 4 मंथ्स का बहुत बड़ा असर होता है आशुतोष जी, इसका बहुत बड़ा असर होगा। पर यह समझना मुश्किल है कि अंडरकरंट है क्या कोई, क्या एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो किस पार्टी को दे रहे हैं? पर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आशुतोष जी, मैं आप बोले उससे पहले, अब के मैं इस एरिया में रहता हूं राजस्थान के जयपुर में, इस कॉलोनी में जहां पे RSS बहुत स्ट्रांग है, गढ़ है RSS और बीजेपी का, अब के ना तो पन्ना प्रमुख थे, ना कोई पर्ची आई, ना कोई मिलने आया, ना कोई पर्ची देने आया, ना ये देखने आया कि कोई वोट डालने गया नहीं गया, ये पहली बार देखा आशुतोष जी मैंने, जब संघ और बीजेपी के जो कैडर हैं वो पूरा गायब था, और ये रिपोर्ट पूरे राजस्थान से आ रही है। अनिल जी ये आप बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत है, और उसका इलेक्शन मशीन कहा जाता है, ऊपर से नीचे तक वेल ऑयल्ड है, किसी तरीके के रिसोर्सेस की कमी नहीं है, काडर के अंदर एक जज्बा है, तो ऐसा क्यों इस बार आपको लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्या कारण है आपको? इसके 2 कारण मुझे नजर आते हैं आशुतोष जी, एक तो क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस, आपने कहा 400 पार, तो उन्होंने कहा हम 400 पार तो वैसे ही हो रहे हैं, जरूरत क्या है, एक वोट नहीं आएगा तो क्या अंतर पड़ेगा, एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण मुझे लगता है RSS में शायद थोड़ी नाराजगी है आशुतोष, राजस्थान में पर्टिकुलरली देखने में आ रहा है, जो संघ है वो
वो नाराज है मोदी से। और तीसरा बड़ा कारण था, आपको बताता हूं, जो लोग पकड़ नहीं पा रहे, जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता लगा, एंटी इंक्यूमेंसी अगेंस्ट एमपीज बहुत स्ट्रांग है। खास तौर से आप देखें, जहां जहां चुनाव हुए वहां के एमपी से लोग बहुत नाराज थे कि आपने 10 साल में हमारे क्या काम करके दिया। तो कोई भी, अरे आपको बताता हूं अशोक जी, इंस्टेंस आपको देता हूं, मेरे घर से कोई 200 मीटर एक बूथ है, वहां पे पोलिंग बूथ पे एक भी बीजेपी का बंदा बैठा हुआ नहीं था, ये मैंने पहली बार देखा। और मेरे लिए बहुत अचंभित करता है ये कि बीजेपी का कार्डर कहां गया। तो मैंने आज एक आरएसएस वाले से बात करी तो उनका कहना ये था कि थोड़ा एरोगेंस मोदी जी में आया है और कहीं पे हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।